हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई केक की डिजाइन बनाई, अपने कस्टमर को उसकी फोटो भेजी और उन्हें वो डिजाइन पसंद ना आए? और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार एक ही केक पर हो। तो आज कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है और कैसे मैंने उसे 3 से 4 बार चेंज करके ठीक किया, वो सब कुछ डिटेल में वीडियो में होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो आपके पास एक सोल्यूशन हो, आप उसे ठीक कर पाए। यहाँ पर केक फ्रेंड्स मुझे मिला था 1/2 kg का चॉकलेट फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने मोहन इम्पैक्ट्स का 180 ग्राम करीब 250 ml वाले कप से 1.5 कप ले लिया प्रीमिक्स। ये जो प्रीमिक्स होता है ना फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ पहले से होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, शुगर, मिल्क पाउडर, सब कुछ। आपको इसमें कुछ नहीं डालना, केवल ऑयल और पानी डालना होता है। और ऑयल भी ना नॉर्मल केक की क्वांटिटी में बहुत कम जाता है। तो मैंने 1.5 कप में करीब 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला, पानी डाला, बना लिया स्मूथ सा बैटर। और ये केक ना मुझे थोड़ा सा टॉल हाइट में बनाना था तो मैंने 5 इंची का बर्तन लिया और उसमें सेट कर दिया ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर, जिसकी वजह से मुझे इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा। डायरेक्टली आप अपना बैटर इसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा। अब इसे करेंगे बेक। बेक करने के लिए मैं अपने अगारो का 60 लीटर OTG जो है वो यूज कर रही हूँ। तो पहले मैंने 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पर इसे प्री हीट किया और अब मिडिल वाली रैक में रख करके 160 डिग्री पर ही केवल नीचे की रॉड को ऑन करके मैं इसे बेक करूंगी करीब 30 मिनट्स के लिए। और इतनी देर में हमारा फर्स्ट क्लास केक स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। तो अगर आप ये OTG लेना चाहते हैं, इसका ऑनलाइन परचेज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफी लोग पूछते हैं कि मैम ये OTG काफी अच्छा है क्या, बड़ा है? तो हाँ, बहुत सारे केक, 4 से 5 1/2 kg के केक आप एक साथ इसमें बना सकते हैं, कप केक्स भी और बहुत कुछ। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट में मेरा केक स्पॉन्ज रेडी हो गया है। और क्योंकि ये 1/2 kg का केक था और मैंने 5 इंची के बर्तन में बनाया है तो थोड़ी सी ना मुझे हाइट मिल गई है। वहीं अगर आप 6 इंची का बर्तन यूज करते ना तो हाइट आपको नहीं मिलती। अब फ्रेंड्स केक ठंडा हो गया है तो मैं इसकी लेयर्स कट कर रही हूँ। पहले मैंने टॉप लेयर हटा दी और अब मैं इसकी 3 लेयर्स की कट करूंगी। तो आज की जो थीम है ना फ्रेंड्स, वो है ब्राइड टू बी केक। मतलब किसी की शादी होने वाली है और उसी ओकेजन के लिए केक बनवाया गया है। बट बार बार मुझे इसकी डिजाइन चेंज करनी पड़ी। तो क्या कुछ हुआ सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर चॉकलेट गनाश ना मेरा पहले से बना हुआ रेडी था, मैंने बस थोड़ी सी क्रीम डाल के उसको गर्म कर लिया, फिर ठंडा कर लिया और अब मैं उसको केक की लेयरिंग में यूज कर रही हूँ। तो मैंने टर्न टेबल पर रखी केक की एक लेयर, क्रीम लगाई उस पर, थोड़ा सा सोक कर लिया सादे पानी से और फिर उसके ऊपर मैंने क्रीम को अप्लाई कर लिया। यहाँ पर 1/2 kg केक के लिए ना मैंने 250 ml क्रीम व्हिप की थी और ये मैं ट्रोपोलाइट की प्रीमियम क्रीम यूज कर रही हूँ, नॉन डेरी क्रीम। वो सब कुछ आप डिटेल में मेरे रोजाना वीडियो में देखते रहते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश जो है इस पर स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा ये लिक्विड ही था बट काम चल जाएगा। और यहाँ पर दूसरी लेयर भी रख दी है, इसको भी मॉइस्ट करेंगे पानी से और फिर क्रीम अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन थर्ड लेयर। तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ी केक की हाइट मिल जाएगी। अगर आपको हाइटेड केक बनाना है तो आपको केक टिन का साइज थोड़ा छोटा लेना होगा, मतलब 4.5 या 5 इंची का। और अगर आपको हाइट वगैरह इतना कोई नहीं है रिक्वायरमेंट तो आप 6 इंची के बर्तन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के देखिए मैं केक की क्रम कोटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स जब तक ये कर रही हूँ ना, आपको बता दूं कि 31 मार्च से मेरा ब्रेड, कुकीज, डोनट, पिज्जा, पफ पैटीज, खारी, इनकी जो है 15 दिन की वर्कशॉप आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत ही कम फीस है, बैच फुल होने जा रहे हैं, 15 दिन की वर्कशॉप है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी और लाइफ टाइम आपको इसका एक्सेस मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। और यहाँ पर तीनों लेयर जो है मैंने सेट कर दिया है। थोड़ा गनाश मेरा आज लिक्विड ही था, मुझे और ठंडा करना था बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फटाफट से इसको ऐसे ही सेट कर दिया। और अब बस मैं इसकी क्रम कोटिंग करके ना इसकी फाइनल आइसिंग करूंगी लाइट पर्पल कलर की क्रीम से। जिसका ये केक है ना फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे फोन करके टेलीफोनिकली ही समझाया था कि इस तरीके से बना दीजिएगा, कुछ ऐसा लगा दीजिएगा, वैसा लगा दीजिएगा। आजकल चल रहा है ना ट्रेंड ड्रेस की मैचिंग का, सब कुछ करने का। और कुछ फ्रेंड्स मिल करके ना, अपनी फ्रेंड की जिनकी शादी थी उनके संग कुछ सेलिब्रेशन करना था, तो शायद उसी तरीके से उन्होंने मुझे समझाया और मैंने वैसे ही बनाया। बट बनने के बाद होता है ना, कई बार जो बताया है वैसा बन नहीं पाया, या मैं नहीं कुछ समझी या वो कुछ समझा नहीं पाए, डिजाइन में उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा तो उन्होंने बार बार मुझसे चेंज करवाया। हालांकि उनकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने चेंज भी किया, अभी दिखाऊंगी कैसे। और यहाँ पर देखिए मैंने ना लाइट पर्पल शेड की क्रीम बनाई और उसको पाइपिंग बैग में भरा और सिंपली केक के ऊपर और चारों तरफ अच्छे से लगा लिया। अब सबसे पहले आपको पैलेट नाइफ से ऊपर की क्रीम को थोड़ा सा स्मूथ करना होता है, फिनिशिंग देनी होती है और फिर 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट पैलेट नाइफ रख करके टर्न टेबल को रोटेट कर करके इसकी थोड़ी स्मूदनिंग करनी होती है, थोड़ी फाइनल आइसिंग करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, टर्न टेबल पर ही काफी काम अपना कर लेती हूँ और जब थोड़ी बहुत स्मूदनिंग रह जाती है उससे पहले मैं इसे बोर्ड पर शिफ्ट करती हूँ, उससे बोर्ड थोड़ा क्लीन रहता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत फिनिशिंग मैंने पैलेट नाइफ से कर ली और अब स्क्रैपर से मैं जस्ट टर्न टेबल को रोटेट कर रही हूँ, हल्का सा मैंने उसे टच किया है और कितनी बढ़िया फिनिशिंग हो गई है। और साइड की फिनिशिंग करने के बाद
ऊपर की जो लाइंस आ जाती हैं, एजेस पर आ जाती है थोड़ी क्रीम, उसको फिर हमें बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक मार करके क्लियर करना होता है। तो बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, मैं रोजाना अपनी केक्स जब भी बनाती हूँ ये सब प्रोसेस आपको दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, और खुद मैंने लाइव भी अपनी क्लास ली है जिसमें मैंने क्रम कोट करके आइसिंग करना आपको सिखाया है। तो जो भी दिक्कत आती है आप उस लाइव क्लास से सीख सकते हैं, वरना रोजाना तो मैं आपको सिखाती हूँ। पर इनमें परफेक्शन लाने के लिए फ्रेंड जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर गनाश जो था ना वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है और मैंने इसे छान भी लिया, और इसको अभी मैं पाइपिंग बैग में भर लूंगी। अभी फ्रेंड्स केक हमारा जो है टर्न टेबल पर है, तो सबसे पहले इसे बोर्ड पर शिफ्ट करते हैं। तो 5 इंची के बर्तन में हमने केक स्पॉन्ज रेडी किया था। मेरे हाथ में जो बोर्ड है वो 8 इंची का है और इस तरीके से मैंने पैलेट नाइफ से अपने केक को शिफ्ट कर लिया है बोर्ड पर, ये देखिए। और अब इस पर ना ड्रिप्स बनाने से पहले ना हम थोड़ा सा सिल्वर लशर डस्ट का स्प्रे कर देंगे, क्योंकि फिर बाकी की डेकोरेशन के बाद कई बार क्या होता है सिल्वर लशर डस्ट जो है वो उतनी अच्छी नहीं लगती, स्पेशली चॉकलेट ड्रिप्स पर। तो पहले ही मैं इसके ऊपर सारा ये जो इफेक्ट है शाइन लाने वाला वो कर देती हूँ, और अब हम इस पर बनाएंगे ड्रिप्स। अब यहाँ पर देखिए ड्रिप्स ना कई तरीके की बनती हैं। कुछ ड्रिप्स ऐसी होती हैं कि एक छोटी एक बड़ी हो जाए, कुछ ड्रिप्स होती हैं कि सारी बराबर होती हैं एकदम नीचे तक आ जाती हैं, और कुछ ड्रिप्स ऐसी भी बनाई जाती हैं जो पूरी नीचे तक केक के बोर्ड तक आती हैं और एक छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाती हैं। तो आपको जो पसंद हो बस उस हिसाब से ये जो पाइपिंग है आप करिएगा। अगर आप चाहते हैं नीचे तक आए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा गनाश छोड़िएगा, अगर आप चाहते हैं छोटी बड़ी हो तो कहीं ज्यादा कहीं कम छोड़िएगा। और इस तरीके से देखिए रोटेट कर करके आपको ड्रिप्स बनानी है। मैं चाहती थी फ्रेंड्स कि मेरे नीचे तक बोर्ड पर हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो आ जाएं, बट अंदाजा नहीं होता ना कि कहीं मैंने डाल दिया नीचे बहुत सारा हो जाए। तो मैंने आप पर एक राउंड बनाया, दूसरे राउंड में मुझे लगा कि ये नीचे नहीं आ रही है तो मैंने फिर से उनको डबलिंग कर दी, मतलब जहां पर गिराई थी पहले वहीं पर ड्रिप्स को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जिससे कि वो नीचे तक आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स तो मेरे नीचे तक आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा और डाल देती हूँ जिससे कि अच्छे से ये नीचे तक आ जाए, ये देखिए। तो इस तरीके से आप कम ज्यादा ड्रॉपलेट्स जो है अपने गनाश के पाइपिंग स्ट्रोक से डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ ये ध्यान रखिएगा पाइपिंग बैग का जो छेद है वो छोटा ही कट करना। यहाँ पर धीरे धीरे देखिए सारी ड्रिप्स ऑलमोस्ट नीचे आ चुकी हैं, अभी जहाँ नहीं आई है मैं दोबारा डाल दूंगी तो वो आराम से आ जाएंगी। और यहाँ पर लगभग 1 इंची मैंने चौड़ा गनाश का बॉर्डर भी बना दिया है, ये देखिए। तो धीरे धीरे काम होता है फ्रेंड्स, गनाश जैसे जैसे पिघलेगा नीचे आएगा तो ड्रॉपलेट जो है जैसी हमें चाहिए वैसी बन जाएंगी, देखिए। ऑलमोस्ट ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, मैंने 3-4 मिनट वेट किया और जो नहीं आई है अब मैं उनको फिर से थोड़ा सा और डाल देती हूँ तो ये सारी ड्रॉपलेट्स नीचे तक आ जाएंगी, क्योंकि मेरे कस्टमर ने डिमांड ऐसी की थी कि नीचे तक वो जो ड्रॉपलेट्स होती है ना वैसी सी बना दीजिएगा। तो एग्जाम्पल भी दिए थे उन्होंने मुझे कुछ फोटो दिखा करके कि ऐसा इसमें बनाइएगा ऐसा इसमें बनाइएगा, अलग अलग फोटोग्राफ उन्होंने मुझे दी थी तो मैंने वैसा ही बना दिया। अब यहाँ पर सेम वही पर्पल कलर की क्रीम मैंने ली, लगाया स्टार नोजल, और जो मैंने बॉर्डर बनाया था ना गनाश का वहां पर मैं बस रोटेट करते करते मतलब स्वर्ल वाला ये बॉर्डर बना रही हूँ, क्योंकि शायद उनकी ड्रेस होगी इस कलर की तो मैंने यही कलर कॉम्बिनेशन लिया। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको स्वर्ल करते हुए बनाते जाना है, और बस यहाँ कोशिश ये करनी है कि पाइपिंग बैग ना एक बार भी आप उठाए नहीं, बट क्या होता है ना कई बार बहुत लंबा स्ट्रोक हो जाता है तो उठाना पड़ता है। और देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने जरा सा उठाया और ये थोड़ा सा स्वर्ल मेरा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं डेकोरेशन से मैं इसे हाइड कर दूँ। अब फ्रेंड्स मार्केट में खूब सारे ऐसे फ्लावर्स आते हैं, केक की एसेसरीज आती हैं, ये सारी नॉन एडिबल होती हैं, मतलब आप इन्हें खा नहीं सकते, डेकोरेशन के लिए होती हैं, बट इस तरीके के फैंसी केक्स हो, ब्राइड टू बी का केक हो, वेडिंग केक हो, उनमें काफ़ी यूज होते हैं। बस आपको इन्हें लगाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है कि इनकी जो स्टिक होती है जो केक में जाएगी उसको फॉयल पेपर से कवर कर ले, उससे ये क्लीन रहता है केक और कोई भी गड़बड़ नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने फॉयल पेपर से कवर किया इनको और अब मैं इसे केक पर स्टिक कर रही हूँ। मैं अभी उनके बताए अनुसार ही फ्रेंड्स काम कर रही हूँ, कैसा ये बनता है आप बताइएगा, लेकिन फिर मुझे इसे चेंज करना पड़ा वो भी बताऊंगी। ये देखिए कुछ डेकोरेशंस मैंने रेडी कर लिए, अब एक एक करके इनको हम केक के सेंटर में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो फॉइल पेपर के साथ देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया है। मुझे तो फ्रेंड्स ये वाला केक बहुत सुंदर लगा था। एंड में मैं आपको सारे केक के डिजाइन एक एक करके दिखाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली डिजाइन अच्छी लगी। तो पर्पल के संग मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन चुना फ्लावर्स का, थोड़ी सी मेरे पास ये सिल्वर बीड्स वाली डेकोरेशन थी वो मैंने लगा दिया, और एक ब्राइड टू बी का टैग उन्होंने मुझे बोला था तो वो मैंने लगा दिया। अभी थोड़ा साइज से बड़ा था बट मेरे पास जो ऑप्शन था मैंने लगा दिया। स्वर्ल्स के ऊपर मैंने थोड़े छोटे वाले जो व्हाइट स्प्रिंकल्स आते हैं ना पर्ल, वो डाल दिए। ये एडिबल होते हैं, इन्हें आप खा सकते हैं। केवल फ्लावर्स और ये जो टॉपर है ये नॉन एडिबल है, बाकी सारी चीजें आप इसमें खा सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मुझे कुछ स्टार वाले और कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स भी मिल गए तो वो भी मैंने लगा दिए। उन्होंने मुझे कुछ मल्टी कलर भी इस पर डालने को कहा था
तो वो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उस हिसाब से इसे डेकोरेट किया। एक मुझे तो बहुत अभी से ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। भाई देखिए स्प्रिंकल्स डालते ही तो और भी अच्छी इसमें एक लुक आ गई, बट उन्हें ये डिजाइन नहीं जमी तो मुझे फिर मजबूरन चेंज करना पड़ा। अभी कैसे किया चेंज वो बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरा फुल केक जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा मुझे लाइट लग रहा था तो मैंने एक डार्क पिंक कलर के फ्लावर का एक बंच भी बीच में सेट कर दिया और इस तरीके से मेरे हिसाब से ये केक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको बना करके उनको फोटोग्राफ भेजी तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ मजा नहीं आया, आप इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए, या तो इस टैग को पीछे कर दीजिए, मेरी जो डेकोरेशन है वो दिख नहीं रही। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से फ्लावर और लगा दिए, थोड़ी फॉक्स बॉल लगा दी और टैग को पीछे की तरफ लगा करके उनको फोटोग्राफ भेजी, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं जमा और मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ी। अब देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया केक डेकोरेट हो गया, लेकिन मजबूरन ये सारी डिजाइन मुझे हटानी पड़ी। अभी बताऊंगी कैसे। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ हो तो मुझे जरूर आज कमेंट करके बताइएगा और आपने क्या किया वो भी बताइएगा। तो इस सारे फ्लावर्स मैंने हटा दिए, सारी चीजें मुझे हटानी पड़ी। वो तो शुक्र है मेरे पास थोड़ी सी पर्पल कलर की क्रीम थी तो वो मैंने बीच में इस तरीके से भर दी और थोड़ा सा पैलेट नाइफ से उसे स्मच करके ठीक किया, क्योंकि स्वर्ल वाली डिजाइन अब मैं बिगाड़ नहीं सकती थी, उनके ऊपर स्प्रिंकल्स आ चुके हैं और फिर सारी थोड़ी फिनिशिंग जो है वो गड़बड़ हो जाती। उन्होंने भी मुझे कहा कि बस सेंटर वाला चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने पैलेट नाइफ से उसको थोड़ा सा ठीक किया, बहुत कोशिश की कि थोड़ा स्वर्ल वाला पैटर्न बना लूँ, क्लीन हो जाए और रेडी हो जाए। वैसे तो फ्रेंड्स मैं इतनी ज्यादा चेंजिंग कभी भी केक की डेकोरेशन में नहीं करती, बट ओकेजन था कि वो अपना फ्रेंड्स उनकी मिलकर ब्राइड टू बी का केक बना रही थी और रिक्वेस्ट की कि दीदी फिर वो चली जाएगी और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने कर दिया, अदरवाइज इतनी डेकोरेशन चेंज मैं कभी नहीं करती। तो यहाँ पर गनाश जो बचा था ना पाइपिंग बैग में, उसी से मैंने थोड़ा सा राउंड वाला स्वर्ल बना दिया, फिर टूथपिक से इस तरीके से वो जो नेट वाला डिजाइन होता है ना वो बना दिया, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि ये फ्लावर वगैरह हटा दीजिए, आप सिंपल इसे बनाइए, हमें बहुत ज्यादा ये ओवरलोडेड लग रहा है। तो फ्लावर्स लगा नहीं सकती थी तो मेरे पास ना ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये वाली एक्रेलिक की जो डेकोरेशन थी टॉपर थे वो था, तो वो मैंने दो लगा दिए। मैंने सोचा शायद उनको इस तरीके से अच्छा लगे। उन्होंने लास्ट मुझे ये भी बोल दिया कि आप ब्राइड टू बी का टैग भी हटा दीजिए, हमें वो नहीं चाहिए और सिंपल इस तरीके से केक दीजिए। तो जब मैंने ये बना के उन्हें दिखाया तो उन्हें काफी अच्छा लगा, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो जैसी उनकी थी उनको पसंद आ गया, बस यही बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से मेरा ये जो ऑर्डर था जो एकदम इतना लंबा खिंच गया, तीन चार बार डिजाइन चेंज करनी पड़ी, वो पूरा हुआ। तो फाइनली थक खूब गई थी, लेकिन डिमांड थी कुछ गर्ल्स की कि बस उन्हें ऐसा केक चाहिए वैसा केक चाहिए, तो मैंने कोशिश की और फाइनली सक्सेसफुल रही। तो अभी इसका वेट करके देख लेते हैं कि ये कितने ग्राम्स का ऑलमोस्ट रेडी हुआ है। तो यहाँ पर ये केक है हमारा 752 ग्राम्स का, तो ठीक है मैं इतने से ज्यादा ही हमेशा देती हूँ। और पैक करने के लिए मैंने 8 इंच का यहाँ बॉक्स ले लिया और इसमें रख करके अब मैं इसे पैक करके डिलीवर करूंगी। इसकी जो अप्रॉक्स प्राइसिंग है वो मैंने साइड में दे दी है और मैंने कोई बार बार डिजाइन चेंज करने का एक्स्ट्रा उनसे पैसा चार्ज नहीं किया, जो था जिसमें डिसाइडेड था वही किया, बट ओकेजन ऐसा था तो मैंने बार बार थोड़ा सा उनका जरूरी समझा डिजाइन बदलने का। तो आपको मेरी कौन सी वाली केक की डिजाइन अच्छी लगी मुझे कमेंट करके आज जरूर बताइएगा, ये फ्लावर वाली या टैग को हमने पीछे लगाया था वो वाली, बिना फ्लावर वाली या जो फाइनल हमने उन्हें दी। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते और मैं क्या कर सकती थी वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज मिलने से काफी नेक्स्ट केक के ऑर्डर में हेल्प मिल जाती है। क्योंकि हम होम बेकर्स के पास ना कस्टमर इसलिए आता है कि उनकी मन के हिसाब से, उनकी जो थीम है उस हिसाब से उन्हें हम वैसा ही केक बनाकर दें, और अगर हम उनके मनपसंद केक नहीं बनाएंगे ना तो हमारे पास आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर चेंज करना भी पड़े ना डिजाइन तो कोई बात नहीं है, बट उनको सेटिस्फेक्शन देना हमारा सबसे बड़ा एम होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है, इससे आपने कुछ सीखा हो, इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, तो जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही नया कुछ सीखने देखने और जानने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।